हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे, अपने घर में सेफ एंड हेल्दी होंगे। तो अभी मैंने अपने एक ब्लॉग का एंड करा, जैसे कि आपने देखा है, जिसमें मेरी सिस्टर सोना आ गई है, आप सबकी प्यारी सी सोना आ गई है। तो मैं क्या कर रही हूँ अब, आज मैंने कुछ उसने बताया था, मैं मम्मी का किचन थोड़ा सा क्लीन, थोड़ा क्या पूरा ही क्लीन कर रहे हैं। तो अब वो भी आ गई, तो वो साथ में मेरी हेल्प करेगी। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर का जो पोर्शन है, ये जो ऊपर है, सारे के सारे डिब्बे वगैरह निकाल के पूरा अच्छे से क्लीन करेंगे। और जो मम्मी के नए कंटेनर दिए थे ना, वो हम इसमें लगाएंगे। तो आपको पूरा किचन दिखाऊंगी मैं मम्मी का, कि हमने बिल्कुल छोटे से बजट में कैसे मम्मी का किचन मेकओवर कर दिया है। बहुत अच्छा लगेगा मम्मी का किचन। सोनू आ जा। तो सोनू भी है भाई इसके, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अकेले कर रही हूँ, वो भी करेगी, तो उसको भी मिलाना ज़रूरी है। तो हाय, तो ये भी मेरे साथ हेल्प कर रही है, मतलब मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ, मेरी हेल्प कर रही है। तो पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। आज कोई ब्लॉग नहीं आएगा, आज ये वीडियो आएगा मेरा, ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और मैं कुर्सी में चढ़कर चढ़ गई हूँ स्लैब में, और वहाँ से जितने भी आप ऊपर का सामान देख रहे हो ना, सारा का सारा मैंने निकाल दिया है, जिसमें कि थे डब्बे, थे मम्मी के कुछ बर्तन, थे क्रॉकरी के बर्तन थे, और जैसे कि ये है, इसमें बाउल्स का सेट था। तो मम्मी इतना यूज़ नहीं करती, तो मम्मी ने ऊपर इसको रख दिया था, और इसके ऊपर न्यूज़पेपर भी रखा था, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी धूल नहीं थी, और ना ही जो मम्मी ने ऊपर जो आप दिख रहे हो ना, ऊपर जो सामान आपको दिख रहा है, उसके नीचे मम्मी ने अखबार लगा रखा था, तो बिल्कुल भी उसमें भी धूल नहीं थी, क्योंकि मम्मी ने अखबार बिछा रखा था ना, इस वजह से। और यहाँ पर सोनू ने हैंकी बांध ली अपने फेस में, तो आपको बता रही थी कि उसको थोड़ा सा एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो धूल से उसको परेशानी हो जाएगी ना, इसलिए उसने हैंकी अपने फेस पे कवर कर लिया है। और इसके बाद मैं सारे के सारे देखोगे ना, आपने सारे बर्तन निकाल दिए। यहाँ पर चिमनी, मम्मी बोल रही थी चिमनी का जो ये पाइप होता है निकल रखा था, इस वजह से जो भी हम छौंक रहे थे ना, वो सीधा बाहर आ रहा था धुआं वगैरह, तो वो मैंने लगा दिया यहाँ पर। और ये मम्मी के बड़े बड़े बर्तन हैं यहाँ पर, और इसमें भी कुछ था, मतलब ये खाली डिब्बा है, नहीं ये प्रेशर कुकर का डिब्बा है, तो कभी होता है, कभी हमें रखना होता है, तो इसलिए मम्मी क्या कोई भी हो, हम हो आप हो, इसको संभाल के रखते हैं डिब्बे को। तो यहाँ पर पूरा मैंने पूरे अखबार, बर्तन और डिब्बे सब हटा दिए हैं, और उसके बाद मैंने सारे जाले झाड़ू से हटाए हैं, और जिस जो भी किचन कैबिनेट है ना, इसके ऊपर जितना भी था मैंने सब साफ कर दिया। वैसे यहाँ पर बहुत कम गंदा था, क्योंकि मम्मी ने न्यूज़पेपर बिछाए थे, जितना भी गंदा था वो न्यूज़पेपर के ऊपर ही था। तो मैंने यहाँ पर झाड़ू और फिर एक कपड़ा मारा, सिर्फ एक ही बार मारा था, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी है। और ये पाइप निकल गया था, तो पाइप को मैं उसमें डाल दिया मैंने, जहाँ से वो हवा चल जाए, उसका जो धुआं होता है वो चले जाता है। तो उसके बाद मैंने सोनू को बोला, तो मुझे न्यूज़पेपर देती रहना और मैं यहाँ पर लगाती रहूँगी। तो डबल डबल करके मैं फोल्ड करके जितने भी न्यूज़पेपर है वो मैंने लगा दिए हैं चारों, मतलब चारों तरफ बोल रही हूँ, मतलब जितना मम्मी का कैबिनेट है उसके ऊपर मैंने न्यूज़पेपर डबल करके लगा दिए हैं। और बाद में ना क्या होता है, ये ना उड़ते रहते हैं, तो मैंने मम्मी को बोला सेलो टेप दो, सेलो टेप से चिपकाती हूँ, तो सेलो टेप मम्मी लेकर आई, फिर सेलो टेप से चिपकाया, तो ये फिर उड़ नहीं रहे थे। तो बस यहाँ पर सारे के सारे अखबार मैंने बिछा दिए हैं, सोनू ने मेरी बहुत हेल्प करी है, क्योंकि मुझे फिर अगर सोनू यहाँ पर इस टाइम नहीं होती, मुझे बार बार नीचे उतरना पड़ता, तो उसने काफ़ी हेल्प करी है मेरी। तो यहाँ पर सारे न्यूज़पेपर लगाने के बाद जितने भी डब्बे थे, सोनू ने साफ करके अच्छे से झाड़ कर, बर्तनों के डिब्बे थे, प्रेशर कुकर का था, और बहुत सारी चीज़ें थी, पतीले थे, वो सब मैंने ऊपर अच्छे से उसने झाड़ के मुझे दिए थे, मैंने ऊपर उसको सेट कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पर जो ये इधर वाला साइड वाला कैबिनेट है, इसके सारे के सारे डब्बे निकाले हैं हमने, और जो भी ये थे ना, ये ग्लास के ऊपर रखे रहते हैं, कुछ कैबिनेट के ऊपर रखे रहते हैं, तो सारा मैंने साफ करा है। तो मम्मी के पास ना एक क्लीन वो है, क्लीन करने का ना एक, ये आपको दिख रहा होगा डब्बा चिमनी के ऊपर, तो ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इसे बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा था सारा का सारा, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ी है सरफ की, कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ी है, नहीं तो ग्लास वगैरह इसने बहुत अच्छे चमका दिए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, मम्मी ने बताया, मम्मी ने अभी नया ही लिया था, ये यहाँ पर आए थे कोई सेल्समैन, उनसे लिया था। तो सारा साफ करने के बाद मैंने यहाँ पर जो विंडो, मतलब जो दरवाज़ा है इसका, डोर है जो इसका, वो मैंने साफ कर दिया अच्छे से। और अब सोनू मुझे जो जितने भी डिब्बे हैं ना, वो मुझे क्लीन करके मम्मी दे रही है। यहाँ पर मम्मी मसाले और दाल रखती है, तो डिब्बे अभी मम्मी के वही हैं जो हमेशा रहते हैं, वही वाले मैंने इसमें रख दिए हैं। और अब इधर सामने वाला कैबिनेट मैंने ओपन करा है, यहाँ पर मम्मी के बहुत बर्तन थे, बहुत ज़्यादा डिब्बे और बर्तन बहुत थे, जो कि मिक्सअप हो रखे थे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पर क्या है। तो सारा का सारा मैंने निकालने के बाद सोनू ने मुझे यहाँ पर मुझे वही जो क्लीन करने के लिए था ना, जो ये लिक्विड था, ये इससे मैंने ग्लास साफ करा है, अंदर का पूरा पोर्शन साफ करा है, बहुत अच्छे से क्लीन करा है इसने। और उसके बाद सोनू ने मुझे डब्बे जो जो यहाँ पे लगाने थे ना, मतलब जो हमने नए कंटेनर नहीं लिए थे, वो वाले कंटेनर हमने यहाँ पर लगाए हैं, सोनू अंदर से लेकर आ गई थी, क्योंकि वो मम्मी को फ्रंट में ही चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि एक साइड पे ग्लास है डोर पे, और एक साइड पे
ग्लास नहीं है, तो ग्लास की साइड मम्मी ने कहा कि दिखने चाहिए तो अच्छे लगेंगे। तो मम्मी भी यहाँ पे मतलब बैठ बैठ के बता रहे थे कि क्योंकि होता ना जिसका किचन है उसको ज़्यादा पता होता है कि मेरा सामान कहाँ पे क्या है और कहाँ पे रखना है, कि क्योंकि हम तो अपने घर चले जाएंगे लेकिन बाद में मम्मी को ही सामान निकालना है, तो मम्मी बोलती इसको नीचे रखना है, इसको ऊपर रखना। तो उसी तरह से फिर मैं रख रही थी क्योंकि जैसे मम्मी बोलेगी वैसे रखना पड़ेगा क्योंकि निकालने बाद में मम्मी ने ही है ये। तो बस मम्मी ने कहा था कि यहाँ पर रखना, तो जितना भी पैकेट में था ना वो सब इन डिब्बों में आ गया। और अब कहीं पर भी मम्मी के बोलते हैं ना पुड़िया सी बन रहती है हैंकी में, ऐसे कुछ भी नहीं था। मम्मी बोलती है बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं पे भी पॉलिथीन जो बंद रहती है पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती है। तो वो सब मैंने डिब्बों में उसको ट्रांसफर कर दिया था। और अब मैं आ गई हूँ इधर की साइड जो इधर वाला पोर्शन था, तो यहाँ पर मम्मी अपने क्रॉकरी का सामान रखती है। लेकिन जो मम्मी का बहुत अच्छा वाला क्रॉकरी था वो मम्मी ने अंदर रखा था, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी वो भी आप निकालो, सब यहाँ पे सजाओ, अच्छा लगता है। मतलब ये है कि बाद में क्लीन करना पड़ता है लेकिन जब वो है तो उसको सजाओ, मतलब कि उसको दिखाओ कि ये हमने यहाँ पे सजा रखा है, क्योंकि लगाते हैं ना अपने किचन में बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी काफ़ी क्रॉकरी थे जो मम्मी ने अंदर रखे थे, कप थे मम्मी के कांच के, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी मम्मी की, जो मैंने सारी की सारी यहाँ पे मम्मी से निकलवा के मैंने कहा निकालो, तो मम्मी ने अंदर रखी हुई थी वो सब मम्मी निकाल के लाई है। तो यहाँ पर सोनू मुझे दे रही थी और मैं रखती जा रही थी, तो बहुत अच्छा ये वाला पोर्शन मुझे खासकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर ना क्रॉकरी था तो बहुत सुंदर लग रहा था। और उसके बाद ऊपर का पूरा क्लीन करने के बाद कैबिनेट के जो डोर्स थे उन सबको अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं आ गई स्लैब की साइड। तो एक साइड में हमने बास्केट रख दी है जिसमें कि हम सिर्फ कांच के ग्लास रखेंगे, और मैंने पूरी टाइल्स जो थी मम्मी की साफ करी है। और ये इतनी जल्दी हुआ है, टाइल्स का काम बहुत जल्दी हुआ क्योंकि जो ये लिक्विड है ना, आप बोलोगे मैं बार बार बोल रही हूँ लेकिन ये लिक्विड बहुत कमाल का है, सच्ची में बहुत कमाल का है। ये सिर्फ थोड़ा सा लगाने पर इसने सारी की सारी जो टाइल्स है ना ऐसे चमका दी कि मैं बता सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा का सारा क्लीन कर दिया था किचन, मतलब जो काउंटर टॉप था वो पूरा क्लीन था। उसके बाद हम आ गए हैं नीचे जो ये ड्रॉर्स होते हैं ना इनमें आ गए हैं, तो यहाँ पर भी मैंने उसी से साफ करा। और उसके बाद मैंने एक न्यूज़पेपर इसमें बिछाया क्योंकि क्या होता है ना कभी मसाले गिरते हैं कभी कुछ गिरता है तो वो न्यूज़पेपर पे ही गिरेगा, और न्यूज़पेपर तो हम चेंज कर सकते हैं ना। तो बस यहाँ पर मैंने वो लगा दिया। और मेरे पास कुछ एक दो डब्बे थे जो मम्मी ने कप वगैरह के निकाले थे वो डब्बे थे, तो उसको डब्बों को मैंने यहाँ पर लगा दिया। और उसके ऊपर ही मैंने मम्मी के जितने भी छोटे छोटे से डिब्बे थे ना वो मैंने यहाँ पर रख दिए थे ताकि मम्मी को आसानी रहे इधर उधर गिरे ना डब्बे, एक ही बॉक्स के ऊपर सारे के सारे डब्बे हों, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिए थे। और यहाँ पर जितनी मम्मी की कटोरियाँ थी, ग्लास थे, स्पून्स वगैरह थे, वो सब मैंने अच्छे से मतलब पहले क्लीन कर दिया था, फिर अच्छे से उनको अरेंज करके रख दिया था। और उधर नीचे की साइड जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पापा ने एक दिन क्लीन कर दिया था लेकिन मैंने इसलिए झाड़ू से मार दिया इसमें हल्का। तो यहाँ पर मम्मी का क्या रहता है, सिलेंडर रहता है, और यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा सामान था जो हम बाहर नहीं दिखाना चाह रहे थे वो सब हमने यहाँ पर इसको रख दिया था क्योंकि ये बहुत कम खुलता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिलेंडर है और कुछ नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी इतना कूड़ा मम्मी किचन से निकला है, मतलब कूड़ा मीन्स की मतलब जो होता है ना अखबार और डब्बे जिनसे सामान बहुत मतलब किचन बहुत ज़्यादा भरा भरा सा रहता है वो सब था। तो इसको इतने बड़े मैंने पॉलिथीन में समेट के अलग कर दिया क्योंकि किचन इतना भयंकर फैला था कि सर दर्द होने लग गया था। एक बार के लिए लग रहा था कि क्या छेड़ दिया हमने, ये साफ होगा भी शाम तक कि नहीं होगा। तो उसके बाद मैं इधर वाली साइड में आ गई, यहाँ पर मम्मी के छोटे मोटे बर्तन और नीचे वाले उसमें मैंने बहुत जो बड़े बड़े बर्तन है वो रखे हैं, तो ये क्लीन हो गया। अब यहाँ पर जो ये राउंड वाला जो बास्केट होती है ना, यहाँ पर मम्मी का काफ़ी सामान था, ये सारा सामान बाहर निकाला है। और इसमें से जो भी मतलब बेकार तो नहीं बोलेंगे, जो यूज़ नहीं होता है उस सामान को हमने एक डब्बे में बंद करके अंदर वाले कमरे में हमारी जाली है वहां पर मैंने मम्मी को बोला आप यहां पर इसको रख दो क्योंकि यहां पर इसका काम ही नहीं है, तो यहां पे फिर फालतू में बहुत भीड़ रहती है। तो जितना जो जरूरी काम की चीजें थी वो यहां पर रख दी हमने बास्केट में, और बाकी सारा डब्बे में पैक करके हमने रख दिया अंदर वाले रूम में जो जाली है उसके अंदर। तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी अच्छे से क्लीन हो गया है, मतलब किचन आज बहुत अच्छे से क्लीन करा है। पता है मुझे कितने घंटे लगे हैं इसको क्लीन करने, मुझे 3 घंटे लगे हैं और मैंने सिर्फ आपको 13 मिनट के वीडियो में पूरा क्लीन करके दिखा दी क्योंकि इतना लंबा वीडियो देखो किसी के पास टाइम है किसी के पास टाइम नहीं है, तो मैंने बहुत स्पीड करके वीडियो को और बहुत कट करके आपको दिखा रही हूँ। वैसे मुझे 3 घंटे लगाए इस वीडियो को मतलब पूरा शूट करने में,
और ये बिल्कुल एंड है जब झाड़ू मैं लगा रही हूँ, सब कुछ साफ हो गया, कैबिनेट्स वगैरह। और अब मैं आपको अपना किचन दिखाऊंगी, तो देखते हैं हमारा किचन कैसा लग रहा है। तो देखो कितना चमक रहा है, शाइन कर रहा है ना, मतलब मुझे लग रहा है, आपको लगेगा तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये सारे के सारे मैंने कैबिनेट्स, ड्रॉर्स, टाइल्स वगैरह सब क्लीन कर दी हैं। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से मम्मी का किचन हमने क्लीन करा है, मम्मी का मेकओवर करा है किचन का, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो ये सारे जितने भी डिब्बे थे, ये 20 पीसेज आए थे, तो 20 में 20 के 20 यहाँ पर लग चुके हैं पूरे के पूरे, और सब फुल हो चुके हैं। इतना सामान मम्मी का वैसे ही पड़ रहता था इस वजह से, तो ये पूरा का पूरा, और अंदर की साइड भी बहुत सारा सामान है। वो जो अंदर कर दिया हमने वो बहुत कम यूज़ होता है, इस वजह से ये ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पर चिमनी भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, और बाहर से भी पूरे ड्रॉर्स वगैरह जो ये होते हैं ना, ये प्लाई वगैरह सब साफ कर दी थी। यहाँ पर पूरा क्रॉकरी का सामान आधा तो आया ही नहीं है, तो वो फिर अंदर रखवाना पड़ा मुझे। तो जितना भी इसमें आया वो सारा का सारा मैंने लगा दिया है, और बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे पापा ने भी देखा, पापा भी बहुत खुश हो गए थे कि बहुत अच्छा क्लीन कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखो कुछ तो मतलब बेटी बहू होने का ये फ़ायदा भी होता है कि हम ऐसे कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर मम्मी स्टोर करके रखती है बाल्टी में पानी, क्योंकि पानी आरओ वाला है, लेकिन वो मतलब खाने के लिए ये वाला पानी यूज़ करते हैं। तो और यहाँ पर आप देखो खिड़की का भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। मैंने मम्मी को बोला यहाँ पर एक भी ग्लास वगैरह कुछ भी फालतू सामान नहीं रखना है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर से खिड़की से आपको खिड़की दिखेगी जो क्लीन लग रही है, और ये बॉटल से जिनमें पानी हमने स्टोर करके रखा हुआ है, उधर कैटल है, और ये तो हमने अंदर रखनी है, ये भी वॉश करके रखी थी। और एक ग्लास रख दिया यहाँ पर जिसमें मम्मी के स्पूंस वगैरह, नाइफ वगैरह हैं, और इस वाली बास्केट में पूरे ग्लास और कप वगैरह रख दिए। और ये है वो जो क्लीन करने के लिए लिक्विड था ना, वो ये है। ये मुझे बहुत कमाल का लगा, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही कमाल की चीज़ थी सच्ची में। तो बस इसी ने सारा क्लीन करा है आज, मैं मतलब मेरे साथ इसने और सोनू ने बहुत मदद करी है। और ये नीचे के ड्रॉर्स हैं, और इनके बाहर मैंने इसी से साफ करा था, बहुत शाइन मार रहा था। ये सारा का सारा क्लीन करने के बाद बर्तन मम्मी के अरेंज कर दिए हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर मम्मी का आटे का जो होता है ना, वो कनस्तर बोल लो जो भी बोलते हैं, आटा स्टोर करते हैं, वो रख दिया है, परात रख दी है। और यहाँ पर तो सिलेंडर और ऐसी जो हम यूज़ ज़्यादा नहीं करते वो है यहाँ पर। यहाँ पर मम्मी के हल्के फुल्के बर्तन जो रोज़ डेली यूज़ होते हैं, और नीचे वाले ड्रॉर में है मतलब भारी बर्तन जिसमें बड़ा कुकर और बड़ी कढ़ाई होती है वो। और इस वाले ड्रॉर में ये हैं डब्बे, ये बहुत साल पुराने डब्बे हैं, जब मेरी मम्मी शादी करके आई थी ना तब के डब्बे हैं, इसलिए मम्मी ने फेंकती नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा चलो मम्मी मना कर, मैं तो बोल रही थी मम्मी फेंको इन्हें, मम्मी बोलती थी नहीं ये मेरी शादी के टाइम के, तो मम्मी ने इसलिए हटाई, तो फिर मैंने भी इन्हें हटाया नहीं। देखो सबका अपना अपना मन होता है ना। और यहाँ पर ना ये मुझे ऐसी मिठाई के डब्बे जो ड्राई फ्रूट्स के डब्बे होते हैं उसके ऊपर मुझे मिला था, बहुत अच्छा लगा था, मेरा फेंकने का मन नहीं था, तो मैंने यहाँ पर इसको सेलो टेप से इस मतलब चिपका दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर ये तो मम्मी ने पूरा क्लीन करा, इसके अंदर बहुत सामान था, पता नहीं क्या क्या पड़ा था, वो तो मम्मी ने क्लीन करके यहाँ पर इसको हैंग कर दिया है। ये मम्मी का फ्रिज है, वो मम्मी की फोटो है, और यहाँ पर ये मम्मी ने DIY करके बनाया है मनी प्लांट के लिए, जो बॉटल होती है ना उसको कट करके यहाँ पर लगा दिया मनी प्लांट। मम्मी का फ्रिज, उधर बर्तन रखे थे जिनमें खाना है, तो अभी मैंने हटाया है आप लोगों को दिखाने का, दिखाना था ना किचन। ये मम्मी का वॉश मिशन है जिनमें एक भी बर्तन आपको नहीं दिखा, सारे बर्तन क्लीन है। और बहुत टाइम लगा ये सब शूट करने में, सच्ची में मैंने 11 बजे वीडियो बनाया था, 2:30 बज गए थे मुझे बनाते। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आप बताना कैसा लगा आपको मम्मी का किचन।